अगड़ा पिछड़ा, दलित ब्राह्मण, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान की यही तस्वीर है। इसे अनेकता में एकता कहिए या सिंखचों में बटा समाज, आप अपनी पसंद के हिसाब से राय बना सकते हैं, लेकिन यह तय है कि जो समाज में है वही चुनाव में दिखेगा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में यही एकदम साफ साफ दिख रहा है। मुझसे कोई नाराज नहीं है, ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। ब्राह्मण तो ये देख रहा है कि आपने राम के नाम पे वोट तो ले लिया। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को, जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए। ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। और मुसलमान वक्त के एतबार से कानून शुरू है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जातीय आरक्षण व्यवस्था के पैरोकारों के बीच पिछले कुछ सालों से यही नारा लोकप्रिय है। तमाम सियासी पार्टियां आरक्षण के लिए इस नारे पर सहमत हो या न हो, लेकिन चुनावी सियासत में सभी दलों का यही अघोषित मूल मंत्र होता है। बात जब टिकट बंटने की आती है तो कोई माने या न माने, पहला हिसाब किताब यही होता है कि उस खास चुनाव क्षेत्र में ज्यादा वोटर किस जाति के हैं। जो मैट्रिक्स, जो कौन सी समाज वर्ग के कितने लोग आए हैं, वो जब सेवन फेज की टिकट होगा तब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन मैं आज पहला दो फेज की घोषणा के बाद कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सर्वसमावेशी ही हो रहा है। पढ़े लिखे नौजवान, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग के नौजवानों को महत्व देना, यह हमारी पार्टी की आज स्ट्रेटेजी है। शनिवार को बीजेपी की पहली लिस्ट जारी करते वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हिंद की विशेषता यानी जातियों पर खास जोर देना नहीं भूले। बीजेपी की लिस्ट भी यही बता रही है कि जातीय समीकरणों पर खास मेहनत की गई है। कल घोषित की गई 107 सीटों में से सबसे ज्यादा 44 सीटें ओबीसी उम्मीदवारों को और 19 सीटें एससी उम्मीदवारों को दी गई हैं। यानी ओबीसी और एससी को कुल सीटों का करीब 59%। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। ओबीसी वोटर की मेहरबानी से बीजेपी ने बार बार सरकार बनाई, वही ओबीसी वोटर अचानक उसका सिरदर्द बन गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े चुनाव के एन मौके पर ओबीसी के करीब एक दर्जन विधायक बीजेपी से बगावत कर चुके हैं। इस एंट के साथ ही बीजेपी सिर्फ 15% अगड़ों की पार्टी रह गई है। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूँ 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। जाति के नाम पर अखिलेश और उनके नए मेहमानों की यह चेतावनी बीजेपी के उस आत्मविश्वास का जवाब है जो उसने कई चुनावों में सफल प्रयोगों के बाद हासिल किया है। राम मंदिर और जिन्ना वाली बड़ी सियासत के चरम पर जातियों की अलग अलग पहचान छोटी होने लगी थी। ये तो 80 बनाम 20 तो है ही, ये चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा। और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। बीजेपी की सियासत पर अखिलेश और उनके ओबीसी योद्धा बट्टा लगाने को तैयार बैठे हैं। अखिलेश जातीय पहचान वाली छोटी छोटी पार्टियों को समेटने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन दलित दांव में पेंच फंस गया है। दलितों के नए आइकॉन अखिलेश से रूठ गए हैं। निराशा हुई कि एक महीना 10 दिन के बाद उन्होंने
कल अपमानित किया, ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। चंद्रशेखर से पहले दलित वोटों पर इकलौता दावा मायावती का था। भले ही इस चुनाव में मायावती का मिजाज देश के मौसम की तरह सर्द दिख रहा है, लेकिन जाति की राजनीति का डर दिखाना वो अभी भी नहीं भूली है। जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितेशी पार्टी हो सकती है? हर जगह वजन जातीय समर्थन से तय होता है। 2017 के चुनाव के वक्त भी कई नेता अपनी अपनी जातीय विरासत लेकर बढ़ते सूरज को सलाम कर रहे थे। ये और बात है कि 5 साल सत्ता सुख भोगने के बावजूद उन्हें अपनी जाति और समाज के लिए रोशनी कहीं और दिखने लगी है। आज तक ब्यूरो।